In the third one, it says the population of city decreased from 25,000 to 24,500. इसका मतलब क्या है कि कोई चेंज हुआ है पॉपुलेशन में, और कितना चेंज हुआ है पॉपुलेशन में, कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है? इट इज 25,000 माइनस 24,500, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 500. तो यहाँ पे हमने परसेंटेज डिक्रीज निकालना है ना, तो परसेंटेज डिक्रीज वुड बी इक्वल टू चेंज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल अमाउंट क्या रहेगा इस केस में? इट वुड बी इक्वल टू 25,000, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से. चेंज इन पॉपुलेशन आपका कितना हो गया? 25,000 माइनस 24,500 इज 500. ओरिजिनल अमाउंट कितना है आपका? 25,000 इंटू 100 इज देयर. अब दो जीरो से हमारे दो जीरो कैंसिल होते हैं, एक जीरो से एक जीरो और गया, 25 से 50 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2. इसका मतलब क्या कि 2% का डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन. सो देयरफॉर दिस वुड बी योर आंसर फॉर द थर्ड वन.